सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3 बेस्ड ऑन कंपेयरिंग डेसिमल। ठीक, आज हम 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि इस पर बेस्ड है। कंपेयरिंग डेसिमल मीन्स, कंपेयरिंग मीन्स आपको दो डेसिमल नंबर दूंगा, वो कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन, विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, आपको फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स से आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल टू है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 0.3 और 0.4, इन दो नंबर के पीछे कंपेरिजन करना है कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर है, डेसिमल के जो ये टेंथ डिजिट है हम इसको देखेंगे। टेंथ डिजिट यहाँ पे क्या है, 3, और यहाँ पे टेंथ डिजिट क्या है, 4। 4 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर होता है तो 0.4 क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा 0.3 से। ठीक है, अब पार्ट बी में यहाँ पे टेंथ है, फिर 100 है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हुआ 0.07 और सेकेंड नंबर हमारा 0.02। ठीक है, तो यहाँ पे टेंथ है और 100th है। ठीक है, यहाँ पे भी 10th और 100th। फर्स्ट डेसिमल जो फर्स्ट प्लेस आती है वो किसकी आती है, डेसिमल की, 10th की। फिर सेकंड किसकी आती है, 100th की। ठीक है, वैसे ही डेसिमल की फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, 10th, सेकंड क्या होगी, 100th। ठीक है, तो आपको देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो जो 100th पोजीशन में जो नंबर है किस नंबर में ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा ग्रेटर है, 7 ग्रेटर होता है 2 ग्रेटर, 7 ग्रेटर होता है, तो 0.07 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0.02 से। ठीक है, अब पार्ट सी में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0.8 है। ठीक है, 3 और 8, ये होल नंबर है, ये डेसिमल में, जब भी आपको होल नंबर और डेसिमल नंबर में बोलेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली आपका जो होल नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। होल नंबर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा डेसिमल नंबर से। तो ये होल नंबर है, तो होल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डेसिमल नंबर से। 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। ठीक है, कहीं भी होल नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर आएगा किससे, डेसिमल से। अब पार्ट डी में क्या दे रखा है आपको, 0.5 और 0.05। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखा, टेंथ वैल्यू, यहाँ पे देखा को टेंथ और 100। ठीक है, हमें कंपेयर करना है किसको देखें, क्योंकि यहाँ पे टेंथ है तो हम टेंथ में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टेंथ वैल्यू क्या है, 5, और यहाँ पे टेंथ वैल्यू क्या है, 0। अब 0 ग्रेटर होता है या 5 ग्रेटर होता है, इस 5 को देखना है, ये तो कौन सी पोजीशन में, 100th में। ठीक है, तो ये टेंथ है, ये टेंथ है, तो यहाँ पर टेंथ की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पर टेंथ की वैल्यू क्या है, 0। तो 5 ग्रेटर और 0 ग्रेटर, 5 ग्रेटर तो 0.5 ग्रेटर हो जाएगा 0.05 से। ठीक है, वैसे पार्ट ई में 1.23 और 1.2, अब आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है, 1.23 ग्रेटर है और या 1.2 ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या है, 1.23 है, ये टेंथ, ये 100th, यहाँ पे क्या है 1.2, ये टेंथ और 100th के आगे 100 नहीं है यहाँ पे, तो 100 हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कुछ क्या बन जाएगी, ये 100। ठीक है, 0 लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाता हूँ, क्या बन जाएगा यहाँ पे 100th। अब जो टेंथ डिजिट है वो दोनों की क्या है, सेम है। अब हम कैसे देखेंगे कौन सा ग्रेटर, अब हम इसकी 100th वैल्यू देखेंगे, 100th वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, और यहाँ पे क्या था, 0, कुछ नहीं था, हमने 0 मान लिया, तो 100th वैल्यू क्या होगा, इसकी 100th वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0। अब 3 ग्रेटर है या 0 ग्रेटर है, क्योंकि जो टेंथ वैल्यू थी दोनों की नंबर की वो क्या थी, सेम, ये भी यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था। अब कैसे हम जज करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हम इसकी अब 100th वैल्यू देखेंगे, तो 100th वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 0। अब 3 ग्रेटर होता है या 0 ग्रेटर होता है, 3 ग्रेटर होता है, ऑब्वियसली 1.23 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1.2 से। ठीक है, ना पार्ट एफ 0.009 और 0.19। ठीक, अब आपको बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये टेंथ, 100th, 1000th, ये टेंथ और ये 100th। ठीक है, अब इसका देखो टेंथ वैल्यू क्या है इस नंबर की, 0, और इस नंबर की टेंथ वैल्यू क्या है, 1। अब 1 ग्रेटर होता है या 0 ग्रेटर होता है, 1 ग्रेटर होता है तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि इसकी टेंथ वैल्यू क्या है, 1 है, और इसकी टेंथ वैल्यू क्या है, 0, और 1 इज़ ग्रेटर देन 0, सो 0.19 इज़ ग्रेटर देन 0.99। ठीक है, ना पार्ट जी, अब यहाँ पे आपको देखा 1.5 और 1.50। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या देखा, 1.5 है और यहाँ पे 1.50 है। अब मैं इसके पीछे 0 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1.5 है, यहाँ पे 1.50 है, तो आप इस नंबर के पीछे 0 लगा दो, कुछ इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी नंबर क्या बन जाएगा, 1.50, ये भी क्या बन जाएगा, 1.50। अब दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो क्या है, सिंबल आएगा इक्वल टू का। ठीक है, 1.5 और 1.50 सेम नंबर है। ठीक है, 0 लगाने से कुछ इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो आप 0 लगा दोगे, चाहे यहाँ पे 1 0 लगा दो, 2 लगा दो, कितने लगा दो, इनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इक्वल। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई और नंबर होता 1, तब ये नंबर ग्रेटर होता। ठीक है, तो 1.5 और 1.50 क्या आएगा, 1.5 इक्वल टू 1.50। ठीक है, ना पार्ट एच में
यहाँ पे कितना है 1.431 और यहाँ पे कितना है 1.490। तो टेंथ वैल्यू क्या है, जो इनके यूनिट वैल्यू वो सेम है, फिर जो टेंथ वैल्यू है वो भी क्या है सेम है, जो उनकी हंड्रेड वैल्यू वो कितनी है 3, जो इसकी हंड्रेड वैल्यू है वो क्या है 9, इसकी थाउजेंथ वैल्यू क्या है 1, इसकी थाउजेंथ वैल्यू क्या है 0, ये सेम है, फिर टेंथ वैल्यू वैल्यू भी सेम है। अब हम देखेंगे कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर। अब हम इसकी हंड्रेड वैल्यू देखेंगे, इसकी हंड्रेड वैल्यू कितनी 3 और इसकी हंड्रेड वैल्यू क्या है 9। अब 9 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है तो ऑब्वियसली 1.490 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1.431 से। ठीक है, जब भी टेंथ वैल्यू सेम हो फिर हम किस में देखते हैं हंड्रेड में, फिर देखेंगे किसकी हंड्रेड वैल्यू ग्रेटर है वो नंबर क्या होगा ग्रेटर। अब इस नंबर की हंड्रेड वैल्यू क्या थी, ग्रेटर थी इससे, तो ये वाला नंबर क्या हो गया ग्रेटर हो गया इससे, तो 1.490 ग्रेटर हो गया किससे 1.431 से। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 3.3 और 3.00। मैंने कहा था ना ये क्या, यहाँ पे इनकी यूनिट वैल्यूज दोनों सेम है, फिर जो डेसिमल का जो टेंथ वैल्यू है और जो इसकी भी टेंथ वैल्यू क्या है सेम है, यहाँ पे क्या है 2 0। अब इसके पीछे आप चाहे कितने भी जीरो लगा दो, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा ना इसकी वैल्यू में, चाहे इसके आगे अब कितने भी जीरो लगा दो तो भी ये दोनों नंबर क्या रहेंगे इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो इनकी यूनिट वैल्यू है वो सेम है, जो इनकी टेंथ वैल्यू है वो भी सेम है, इनके पीछे कितने भी जीरो लगा दो इनकी वैल्यू क्या आएगी सेम ही है, इक्वल ही आएगी, तो जीरो लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर 3.3 है, यहाँ पर 3.300, तो इन दोनों नंबर की वैल्यू क्या है सेम है, तो 3.3 इज़ इक्वल टू 3.300, चाहे इसके पीछे कितने भी जीरो आ जाएँ ये 3.3 इसी के बराबर आएगा। ठीक है, आप इसके यहाँ पे भी 2 0 ला सकते हैं तब भी इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आएगी। ठीक है, ना पार्ट जे 5.64 और 5.603। अब इन दो नंबर बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, यूनिट वैल्यू इनकी सेम है, फिर इनकी टेंथ वैल्यू भी सेम है, अब यूनिट वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे यूनिट वैल्यू चेंज होती से मतलब यहाँ पे 4 होता तो ऑब्वियसली नंबर ग्रेटर होता, क्योंकि इसकी यूनिट वैल्यू 5 है, इसकी यूनिट वैल्यू 4 थी, तो सीधे यह नंबर ग्रेटर होता, लेकिन इसकी यूनिट वैल्यू सेम है। अब हम कैसे जज करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, अब इसके क्या देखेंगे टेंथ वैल्यू। अब इसकी टेंथ वैल्यू 6 है, अब इसकी भी नंबर की भी जो टेंथ वैल्यू वो भी 6 है, यहाँ पर भी सेम आ गया। अब हम जाएंगे किस में शिफ्ट करेंगे हम, इसकी हंड्रेड वैल्यू में, अब हम हंड्रेड वैल्यू में शिफ्ट हो गए, हम देखेंगे कि हंड्रेड वैल्यू क्या है इसकी 4 और इसकी हंड्रेड वैल्यू क्या है 0। अब जो हंड्रेड वैल्यू है इस नंबर की 4 और जो इसकी हंड्रेड वैल्यू है 0, दिख रहा है कि जो 4 है ग्रेटर होता है 0 से। ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, सो 5.64 इज़ ग्रेटर देन 5.603। ठीक है, तो 5.64 क्या है ग्रेटर है 5.603 से, बाई चांस यहाँ पे भी समझ लो 4 है, यहाँ पे भी 4 होता, फिर हम किस में शिफ्ट करते हैं थाउजेंड वैल्यू में, फिर कौन किस नंबर की थाउजेंड वैल्यू ग्रेटर है वो नंबर क्या होता ग्रेटर।